मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या अपने प्राण के बदले मनुष्य क्या देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि प्रभु बता रहा है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि दुनिया के सारे सुविधाओं को या दुनिया की सारी चीज़ों को हम हासिल करें, और इसी बात को लोगों ने अपना जीवन बनाया है, इसी बात को ज़िंदगी बनाई है, और जीवन भर की यहाँ दुनिया की चीज़ें पाने के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उसी के पीछे लगे रहते हैं, और ये सारे करने के लिए गलत रास्तों को भी अपनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे पर अपनी आत्मा को, अपने प्राण को गवाए तो उसे फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है? हम देख रहे हैं कि दुनिया में आने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितना भी एक महान राजा क्यों ना हो, हर किसी को एक दिन दुनिया को छोड़ना पड़ता है। कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता है, और ना ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि गरीब की उम्र कम होती है और अमीर की उम्र ज़्यादा होती है। कोई राजा 500 साल नहीं जीता है, कोई अमीर मनुष्य 1000 साल नहीं जीता है। उसके पास इतनी जायदाद, इतना धन होता भी है कि 1000 साल भी वो धरती पर आराम से ज़िंदगी बिता सकता है, तो भी उसकी ज़िंदगी 70 या 80 साल की ही होती है। गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या भिखारी हो, हर कोई अपनी ज़िंदगी को बहुत जल्दी ख़त्म करके चला जाता है, और दुनिया नहीं जानती है जाते हैं कहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आपके बहुत करीबी व्यक्ति मर गए होंगे, आपके घर के होंगे या रिश्तेदार के होंगे, ज़रा सोच के देखो कि ये लोग जाते कहाँ पर है। क्योंकि कोई अमेरिका जाता है, हमें फ़ोन करता है, जब फ़ोन की सुविधा नहीं थी खत लिखा करते थे। कोई इंग्लैंड जाता है, हमारे साथ फ़ोन पर से संपर्क में रहते हैं। पर यदि कोई मर जाता है तो कहाँ जाता है कि ना फ़ोन की सुविधा है वहाँ, ना खत की सुविधा है, ना ईमेल की सुविधा है, कुछ नहीं है। जाते हैं कहाँ पर? जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता है। और हम जीवन के एक बहुत बड़ी सच्चाई को भी अच्छे से जानते हैं कि हम में से कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमें अपने ज़िंदगी का आखिरी दिन भी मालूम नहीं है। ये नहीं बोल सकते यकीन के साथ कि मैं 90 साल का होने के बाद मर जाऊंगा या 80 साल का होने के बाद मर जाऊंगा, कोई नहीं बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबिल में मनुष्य के जीवन को जंगल के घास में उगने वाले फूल की उपमा दी गई है। घास के ऊपर फूल उगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत होता है,
पर जैसे ही जोर से तेज हवा बहती है, ये फूल उस घास पर से उड़कर निकल जाता है। दोबारा उस घास के साथ उसका कोई संबंध नहीं आता है। मरा हुआ व्यक्ति एक बड़े राजमहल में रहता होगा, पर जिस घड़ी उसकी सांस रुक जाती है, उसके बाद से वो अपने महल में रहने के लिए दोबारा नहीं आता है। जब तक जिंदा होता है, वो बोलता है, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। जिस घड़ी सांस बंद हो जाती है, दोबारा उस गाड़ी को चलाने के लिए और उसमें बैठने के लिए आता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें यह सच्चाई को नहीं भूलना है कि हजारों सालों से दुनिया में यही चलते आ रहा है कि धरती पर आने वाला हर एक मनुष्य एक दिन मर जाता है, मर ही जाता है, खत्म हो जाता है। और जैसे इतने सारे लोग आज तक खत्म हो गए हैं, वैसे हमको भी एक दिन इस धरती को छोड़ना है। धरती को, ये धरती, इससे हमें बाहर जाना है। कहाँ जाना है? दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, और इसीलिए कई कई लोग बोलते हैं कि कोई मनुष्य मर गया, उसका भूत किसी ने देखा, वो मर गया था, उसका भूत आ गया। ये सारी झूठी बातें हैं। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा का धरती के साथ रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है। उसका भूत विद कोई आता नहीं है, दुष्टात्मा ही उसका रूप लेकर लोगों को फंसाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है। कोई लोग कहते पल भर की है, सच है, पल भर की है, क्योंकि हम अगला पल नहीं जानते हैं। आज रात हम जीवित रहने वाले हैं या नहीं मालूम नहीं, कल का दिन देखने वाले हैं या नहीं मालूम नहीं, एक साल के बाद कहाँ होंगे मालूम नहीं। हम खुद के बारे में कोई नहीं जानते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास भी लोग कैसे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले आदि मानव को कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। ये 6000 साल पहले परमेश्वर ने जब पहला इंसान आदम को बनाया था, उसने पाप किया, तब परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू दोबारा मिट्टी में चला जाएगा। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर के ये शब्द पूरे धरती पर काम कर रहे हैं। लोग कितने भी पढ़े लिखे हो गए, कितनी भी विज्ञान की तरक्की हो गई, कितनी भी विज्ञान की उन्नति हो गई, तो भी परमेश्वर के शब्द को बदलने की ताकत किसी के पास अभी तक नहीं आई है और ना ही आएगी। ये परमेश्वर के शब्द भारत में भी काम करते हैं, अमेरिका में भी काम करते हैं, चीन में भी काम करते हैं, रशिया में भी काम करते हैं। धरती पर जहाँ जहाँ मनुष्य है, वहाँ वहाँ उसको एक दिन मरना है, क्योंकि परमेश्वर ये बोला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभी हम धरती पर आए हैं किस लिए? यदि हमें एक दिन मरना है, तो परमेश्वर ने हमें किस लिए भेजा है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि एक बेटा साल भर पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा देने के लिए जाता है, और 3 घंटे में वो जो कुछ लिखता है, उसके ऊपर उसके आगे का जीवन निर्भर रहता है। बिल्कुल वैसा ही हम सब जो धरती पर चल रहे हैं, हम परीक्षा हॉल में हैं और परीक्षा को लिख रहे हैं। कौन किस रीति से लिख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। किसने किस रीति से पेपर को लिखना शुरू रखा है? परमेश्वर देख रहा है। और अंत में हर किसी का रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। कोई आत्माएं स्वर्ग में जाएगी, जहाँ परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश है, जहाँ परमेश्वर के अनगिनत स्वर्ग दूत है, जहाँ सब कुछ वैभव से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। ऐसे महिमा से भरे हुए स्वर्ग में कुछ लोग पहुँच जाएंगे, और जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए दूसरी जगह भी पहले से ही तैयार है, जो है नरक, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है।
पर जितने सारे लोग पूरे जिंदगी भर शैतान का हाथ पकड़कर चलते रहते हैं, उनको एक दिन उसी नरक में जाना है। नरक एक भयानक अंधकार है जहाँ आग जलती रहती है और वहाँ जाने वाली आत्माएं अनंत काल तड़पती रहती है। वहाँ मनुष्य के पास मिट्टी का शरीर नहीं होगा, बस आत्मा होगी, और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, इसीलिए बस तड़पते रहेगी। ना परमेश्वर उनको दोबारा कभी दिखाई देगा, ना नरक में से उनकी आवाज़ को कोई सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब परीक्षा हॉल में है, हर कोई अपनी परीक्षा दे रहे हैं, और जब हमारी सांस रुक जाएगी तब हम रिजल्ट को देखेंगे। कहाँ पहुँचे, स्वर्ग में या नरक में? जब सांस रुक जाएगी तभी हमें पता चलेगा। हमारे आसपास के लोगों को तो पता नहीं चलेगा, पर हमें ज़रूर पता चलेगा कि हमारी आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत आए हैं या नरक से दुष्टात्माएँ आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है और जिनका उद्धार हो गया है, जो सत्य के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, वे सारे स्वर्ग की ओर अपना सफ़र कर रहे हैं। और यदि उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा, मरते दम तक विश्वास में बने रहे, पापों का पश्चाताप करके पापों से दूर रहे, तो ये सारी आत्माएं मरने के बाद स्वर्ग में जाएगी और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने अपना गंदा जीवन, अधर्म, अपने पाप, इन सारे गंदगी को पसंद किया है और उसी में रहना चाहा है, मरते दम तक उसी में चलते रहे हैं, उनके आँखों के सामने या उनकी नज़र में स्वर्ग कभी दिखाई नहीं देगा, वे नरक में जाएंगे, अनंत काल तड़पते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने इस धरती पर पैसा कितना कमाया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास सोना चांदी कितनी है और जमीन जायदाद कितनी है। प्रभु यीशु बता रहा है कि यदि मनुष्य ने पूरे जगत को प्राप्त किया पर अपनी आत्मा को गवाया तो उसे क्या लाभ है? पूरे जगत को क्या कोई प्राप्त कर सकता है? हो सकता है कोई एक बड़ा अमीर व्यक्ति बन सकता है जिसके पास बहुत संपत्ति, धन इकट्ठा हो गया है, पर यीशु बोल रहा है यदि आत्मा गवाया तो क्या लाभ है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? क्या देकर आप आपकी आत्मा को खरीद सकते हैं? कौन सा मोल देकर या कौन सा दाम देकर आप अपनी आत्मा को बचा सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती पर जीने वाले हम सब लोग पापी हैं, शैतान के गुलाम थे हम। पापी होने के कारण हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, हमें मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं थी। प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर आया, उसने हमारे पापों का बोझ उठाया और वो क्रूस पर मर गया। बाइबिल कहती है तुम दाम देकर खरीदे गए हो, तुम्हें खरीदा गया है। कौन सा दाम दिया गया है? प्रभु ने खुद का शरीर दे दिया है, खुद का लहू दे दिया है, और उसी के द्वारा हमको खरीदा गया है। हमारा पैसा कचरा है, हमारा सोना चांदी कचरा है, हमारी डिग्रियां कचरा है, हमारी जमीन जायदाद कचरा है, हमारा गाड़ी बंगला कचरा है, ये हमें नहीं बचा सकता है। ये आप उठाकर स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते हो, और ये आपको स्वर्ग देने के लायक भी नहीं है। बाइबल कहती है कि हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे, साथ कुछ लेकर नहीं आए, और जब आँखें बंद हो जाएंगी साथ कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, खाली हाथ परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। यदि पापों की क्षमा मिल चुकी है, प्रभु कहेगा मेरे दाहिने बाजू में खड़े रह जाओ। यदि उद्धार हो गया है, यदि उद्धार हो गया है, मुक्ति मिल गई है, तो मरने के बाद प्रभु कहेगा खड़े रहो मेरे दाहिने बाजू में। क्यों? दाहिने बाजू वाले सारे स्वर्ग में, अनंत जीवन में जाने वाले हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने सारे लोग इस सच्चाई को जानते नहीं हैं। हम देख रहे हैं दिन ही दिन दुनिया का माहौल कठिन बनते जा रहा है, समय कठिन आ रहा है। कल से आज का समय ज़्यादा कठिन है, आज से कल का और ज़्यादा कठिन रहेगा, क्योंकि जैसे कि प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, ये दुनिया का अंत का समय है, ये दुनिया के अंत की घड़ी है, दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, और इसीलिए समय कठिन बनते जा रहा है। तो भी कितने सारे लोग अपने पापों में मशगूल है, अपने पापी जीवन में मगन हो गए हैं, और ये भूल चुके हैं कि एक दिन हमें धरती को छोड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप किसी बीमारी के कारण, किसी परेशानी के कारण, किसी संकट के कारण प्रभु के चरणों के पास पहुँचे हो, तो आप अपने आप को आशीषित व्यक्ति समझना, क्योंकि यदि आपके जीवन में परेशानी या समस्या नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, तो आप परमेश्वर के पास नहीं पहुँचते। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 साल जब पूरे दुनिया में कोरोना का समय चला, आप मुझे बताओ कितने लोग परमेश्वर की ओर मुड़े? क्या आज भी लोग बेहोश नहीं हैं? 2 साल परमेश्वर ने दुनिया को झटका दिया, तो भी लोग इतने गहरे नींद में हैं, नींद में नहीं बोल सकते हैं, लोग कोमा में गए हैं। कोमा में गया हुआ व्यक्ति क्या खाता है, पीता है, उसके आसपास क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं करता है। उसके पास हाथ है, आंखें हैं, आंखें हैं तो भी देख नहीं सकता है, मुंह है तो भी बोल नहीं सकता है, दांत है तो भी चबा नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वैसी पूरी दुनिया कोमा में गई है। 2 साल परमेश्वर ने दुनिया को झटका दिया, ज़्यादा लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो गया है, अभी भी अपनी ही धुन में है, अभी भी अपने ही जीवन में मगन हो गए हैं। पर वो समय हर एक के साथ आने वाला है। प्रभु कहता है पूरे संसार को हासिल किया, अपना प्राण को, अपने प्राण को गवाया तो फायदा क्या है, आत्मा नरक में गया तो फायदा क्या है। प्रभु यीशु ने खुद उदाहरण दिया है अमीर मनुष्य और गरीब लाजर का। अमीर मनुष्य मरने के बाद कहाँ गया और गरीब लाजर कहाँ पर गया? जो अपने महल में एक ऐश आराम का जीवन बिता रहा था, वो मरने के बाद अधोलोक में पहुंचा, जहां वो जल रहा था। और गरीब लाजर जो उसके घर के पीछे बैठकर कुत्तों के साथ खाना खाया करता था, जो भी इस घर से बाहर कुत्तों को फेंका हुआ खाना ये गरीब मनुष्य खाया करता था, ये गरीब मनुष्य मरने के बाद बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि स्वर्ग दूतों ने आकर उसको उठाया और आसमान में जहां अब्राहम बैठा हुआ है उसके बाजू में उसको बिठाया गया। एक गरीब को उठाने के लिए परमेश्वर ने आसमान से स्वर्गदूत भेजे, उसकी आत्मा को स्वर्गदूत लेकर गए और इब्राहिम के बाजू में जाकर उसको बिठा दिया, और अपने महल में ऐशोआराम से रहने वाला अमीर मनुष्य नरक में जा पड़ा। और जब आंखें उठाकर ऊपर देखा तो उसे बड़ा अचंभा लगा, ये तो भिखारी था, मेरे घर के पीछे बैठा करता था, मेरे घर से जो भी झूठा खाना कुत्तों को फेंका जाता था ये कुत्तों के साथ खाया करता था, अभी इब्राहिम के बाजू में बैठा है। मैं इतना अच्छा महल में रहने वाला, अच्छी जिंदगी बिताने वाला कहाँ पहुँचा? हालेलुया, हालेलुया। हर एक को सोचना है, पैसे के पीछे मत लगे रहो, संपत्ति और जायदाद के पीछे मत पड़े रहो। पैसा, संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, पर इन पर प्रेम नहीं करना है। पैसे का इस्तेमाल करो, प्रेम परमेश्वर पर करो। गाड़ी और बंगले का इस्तेमाल करो, प्रेम परमेश्वर पर करो। सोना चांदी का इस्तेमाल करो, प्रेम परमेश्वर पर करो। जमीन जायदाद का इस्तेमाल करो, परमेश्वर पर प्रेम करो। प्रेम इन चीज़ों पर मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कचरे के समान है, इनका हमें कुछ भी लाभ नहीं होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हम अपने प्राण के बदले कुछ नहीं दे सकते हैं, हम खुद को बचा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इतने पापी हैं, इतने पापी कि हमारे पापों का बोझ कोई नहीं उठा सकता है, ना हम खुद उठा सकते हैं, ना दुनिया का और कोई मनुष्य उठा सकता है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बोझ एक ही बार उठाया है और हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। उसी बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल सकती है, हम शैतान के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, हमें अनंत जीवन मिल सकता है, मरने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार अर्थात आत्मा की मुक्ति, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये तुम्हारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए। मुझे एक दिन स्वर्ग में पहुंचना है, ये मत सपना देखो कि एक दिन मुझे एक बड़ा अमीर व्यक्ति बनना है, धरती पर मुझे एक बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति बनना है, ऐसे सपने मत देखा करो। कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। आप अमीर व्यक्ति जरूर बनोगे, क्योंकि आप जानते हैं शैतान ऐसे सारे लोगों को सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद देने के लिए तैयार होता है। जो शैतान के सामने झुकता है, उसके चरण पकड़ता है और उसकी सेवा करता है, ऐसे लोगों को शैतान सब कुछ देता है, जितना पैसा चाहे दे देता है, गाड़ी बंगला सोना चांदी। शैतान उनको कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस मेरी सेवा करते रहो और परमेश्वर के पास कभी मत जाना, क्योंकि वो जानता है जो मनुष्य परमेश्वर के पास आता है नम्र बन जाता है, जिंदगी के सच्चाई को जानकर बुरी चीज़ों का त्याग कर देता है, वे स्वर्ग में जाएंगे, शैतान के हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के पास ना पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को शैतान ने इसी चीज़ों में फंसा कर रखा है। लोग क्या देखते हैं, पैसा कितना है, संपत्ति कितनी है, सम्मान कितना है, जमीन जायदाद कितनी है, दुनिया के लोग इन्हीं बातों को देखा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना दिल प्रभु की ओर लगाओ, क्योंकि हम सब धरती पर कुछ समय के लिए है। हम नहीं जानते हैं कि कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर हमें मरने के बाद स्वर्ग में जाना है और अपना अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें नरक में नहीं जाना है, जहां आग जल रही है, जहां अंधकार है, जहां की प्रार्थना कोई सुनता ही नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है, अमीर मनुष्य नरक से प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना को कोई नहीं सुन रहा है। वो बोल रहा है, मुझे एक बूंद पानी चाहिए, कोई वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं दे रहा है, क्योंकि नरक में चिल्लाने वाली आत्माओं की पुकार को परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर उनसे बहुत दूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होश पर आ जाओ, बेहोश हालत में मत रहो। दुनिया बेहोश हालत में है, कितने सारे लोग बेहोश हालत में है, अपने ही अहंकार में फंसे हुए हैं, अपने ही सारी चीज़ों में और पापों में फंसे हुए हैं। इस तरीके से मत रहना, क्योंकि जिंदगी पल भर की है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने सच्चाई से प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है और जिनको पूरा भरोसा हो गया है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाला हूँ, ऐसी कोई भी व्यक्ति मरने के लिए डरती नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं जिस घड़ी हमारी यहाँ सांस रुक जाएगी, दूसरे ही पल हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके सामने खड़े रहेंगे, उसके पास पहुँचेंगे। ये जिंदगी पल भर की है, कब तक हम है नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के पीछे मत पड़े रहो, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाओ। वो तुमसे क्या चाहता है वो जान लो, अपने आप में सच्चा बदलाव करो, अपने आप में सच्चा परिवर्तन लाओ। दुनिया भर की सारी लालच अपने मन से निकाल डालो, क्योंकि इनसे हमें कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। लालच को मन से निकालो, परमेश्वर क्या चाहता है देखो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ।
बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। आप परमेश्वर के रास्ते से चलते रहोगे और उसके रास्ते से चलते रहने के कारण एक दिन स्वर्ग में पहुँचोगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ कुछ लोग प्रार्थना में इसीलिए आते हैं कि उनका बिजनेस जोर से चलने लगे। कोई लोग ये चाहते हैं हमें बड़े तनख्वाह की नौकरी मिल जाए। आपकी इच्छा ऐसी है कि आपका बिजनेस जोर से चलने लगे या आपको बड़ी तनख्वाह की नौकरी मिल जाए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपकी इच्छा गलत है या आपकी इच्छा गलत नहीं है, पर जब आपका बिजनेस जोर से चलने लगेगा, आप परमेश्वर पर प्रेम करोगे या पैसे पर, ये पहला सोचो। जब आपको बड़ी तनख्वाह की नौकरी मिलेगी तब आप परमेश्वर पर पहला प्रेम करोगे या पैसे पर, ये अभी से सोचो। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। दुनिया में दूसरा परमेश्वर है, जो एक सच्चा परमेश्वर जो आसमान में बैठा हुआ है, और दूसरा भगवान दुनिया में है पैसा, धन। ये तो लोगों का एक बड़ा भगवान बन गया है, स्वामी बन गया है। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया है, असफल हो गया है, इसीलिए वे प्रार्थना में आते हैं। प्रार्थना में आने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उनका बिजनेस जोर से चलने लगता है, उन्हें बहुत तरक्की मिलती है, बहुत आशीष मिलती है। उसके बाद वे प्रार्थना में आना धीरे धीरे कम करते हैं, छोड़ भी देते हैं, और उन्हें ऐसा भी लगने लगता है कि प्रार्थना क्या, ये तो हम घर में भी कर सकते हैं, पर बिजनेस को समय देना चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर सप्ताह प्रार्थना में आते हैं। एक बार नौकरी मिल गई फिर उन्हें लगता है कि 15 दिन में एक बार गए तो भी चलेगा, बाद में लगता है महीने में एक बार गए तो भी चलेगा, उसके बाद लगता है 3 महीने में एक बार गए तो भी चलेगा, उसके बाद लगता है वहाँ ही जाने की क्या ज़रूरत है, घर में भी तो प्रार्थना कर सकते हैं। और अभी आपके पास बहुत बड़ा बहाना है, YouTube पर भी प्रार्थना आती है, तो वहाँ नायगांव के आशीष प्रार्थना घर में जाने की क्या ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक समस्या में थे यहाँ आना चाहते थे, समस्या निकल गई अभी ये सोच रहे कि वहाँ ही जाने की क्या ज़रूरत है, घर में बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप घर में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, सही बात है, पर हर बात का कोई मूल्य होता है। प्रार्थना घर का एक महत्व होता है, आपके घर का एक अलग महत्व होता है। आप जब घर में खुद प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर आपके बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत होती है जो प्रार्थना घर में आने के बाद होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये माहौल में जब परमेश्वर का आत्मा बड़े पैमाने में काम करता है तब आपकी आत्मा की बैटरी की चार्जिंग हो जाती है। परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, क्या इच्छा है, यह आपको समझना ज़रूरी बात है। बस पैसे के पीछे मत पड़े रहो, मुझे बड़े तनख्वाह की नौकरी चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। परमेश्वर आपको ये देगा, पर देने के बाद वो आपके ऊपर देखेगा भी कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के आशीषों को लेकर परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा प्रेम करता है, उसको ज़्यादा समय देता है, उसकी इच्छा को ज़्यादा मानने लगता है, उसके वचनों का पालन ज़्यादा करने लगता है, वह ज्ञानवान मनुष्य है, होशियार मनुष्य है। और जो आशीषों को मिलने के बाद, अभी मेरा धंधा अच्छे से चलने लगा, अभी मुझे नौकरी मिल गई, अभी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद परमेश्वर को समय कम देने लगा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम कम करने लगा, परमेश्वर से एक एक कदम पीछे हटने लगा, इसका मतलब ये मनुष्य मूर्ख है जिसने ज़िंदगी के सच्चाई को अच्छे से पहचाना नहीं है।
हमें बस नौकरी और धंधे की ज़रूरत नहीं है, बस पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस खाना पीना और कपड़ा मकान की ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे ज़रूरत, पहली ज़रूरत ये है कि हमें परमेश्वर को प्राप्त करना है। वो हमारे साथ होना चाहिए, वो हमारे दिल में होना चाहिए। यदि वो हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यीशु कहता है कि मनुष्य ने सारी जगत को प्राप्त किया पर अपने प्राण की हानि उठाई तो उसे क्या लाभ है। अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर के और करीब जाओ, और करीब जाओ, और करीब जाओ, उसके साथ मजबूती से रिश्ता बनाओ ताकि परमेश्वर की रोशनी से आपका जीवन भर जाएगा। इस धरती पर आप आशीषित जीवन बिताओगे और ये जीवन जैसे ही खत्म हो जाएगा परमेश्वर आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।